टीवी एक्ट्रेस देबीना बनर्जी दो बेटियों की माँ हैं और फिलहाल वो टीवी से दूर मदरहुड एंजॉय कर रही हैं। इसके साथ ही वो एक यूट्यूबर भी हैं। अपने व्लॉग्स के जरिए वो अपनी लाइफ की अपडेट देती रहती हैं। साल 2022 में देबीना ने IVF के जरिए बेटी लियाना को जन्म दिया था, जिसके 7 महीने बाद वो नेचुरल तरीके से दोबारा माँ बनी। उन्होंने प्री मेच्योर डिलीवरी से बेटी दिविशा को जन्म दिया। इसके लिए वो खूब ट्रोल भी हुई थी। उन्होंने न सिर्फ ट्रोल को जवाब दिया बल्कि प्रेगनेंसी जर्नी और इस दौरान होने वाली परेशानियों के बारे में खुलकर बात भी की। दरअसल देबीना को बड़ी बेटी लियाना के जन्म से कुछ साल पहले एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी का पता चला था, जो ठीक हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से देबीना इस बीमारी से जूझ रही हैं। एंडोमेट्रियोसिस में यूट्राइन कैविटी के बाहर एंडोमेट्रियल टिश्यू बढ़ने लगते हैं। इसमें बहुत ज्यादा दर्द और ब्लीडिंग हो सकती है। देबीना बनर्जी ने इस बीमारी का इलाज करवाया है, लेकिन हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि ये फिर से उभर आई है। देबीना ने अपने ब्लॉग में बताया कि उन्हें पूरे दिन काम करने का मन नहीं करता। देबीना कहती हैं, एंडोमेट्रियोसिस ऐसी चीज है जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। एक छोटा सा ऑपरेशन होना है, उस ऑपरेशन के बाद आप कुछ समय के लिए बेहतर महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये फिर से हो जाता है। मैं कोई दवा नहीं लेती, मैं कोई पेन किलर मेडिसिन नहीं खाती हूँ। पीरियड्स के दौरान दर्द होना सामान्य नहीं है। मुझे ये नहीं पता था क्योंकि बचपन में मुझे कभी भी पीरियड्स के दौरान दर्द का अनुभव नहीं हुआ था। जब मैं दूसरे लोगों की बातें सुनती तो मुझे लगता कि अच्छा है कि मुझे कोई दर्द नहीं है। लेकिन लियाना के जन्म से कुछ साल पहले मुझे पीरियड्स के दौरान दर्द होने लगा था। देबीना बनर्जी ने आगे बताया कि इस बीमारी के कारण उन्हें बहुत तेज और ज्यादा पीरियड्स पेन होता है। पहले बच्चे के जन्म से कुछ साल पहले उन्हें पीरियड्स के दौरान दर्द होने लगा। उन्होंने कहा, जब मेरी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का इलाज शुरू हुआ तो मुझे पता चला कि मुझे एंडोमेट्रियोसिस और एडेनोमायोसिस है। इसमें यूट्रस की वॉल और यूट्रस के बाहर टिश्यूज असामान्य तरीके से बढ़ते हैं। डॉक्टर ने बताया कि मुझे Grade 4 एंडोमेट्रियोसिस और एडेनोमायोसिस है। अब वो दर्द वापस आ गया है। मैं पिछले 2-3 महीने से इसका अनुभव कर रही हूँ। दर्द इतना ज्यादा है कि मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। ये भयानक है। इसकी वजह से उन्हें घर पर रहने और आराम करने से डर लगता है, क्योंकि इससे उसे दर्द और अधिक महसूस होगा। एक इंटरव्यू में देबीना ने बताया था कि वो कंसीव करने के लिए हर कोशिश कर रही थी। गुरमीत और वो डॉक्टर के पास जाते थे, गायनेकोलॉजिस्ट बदले, IVF के जरिए कंसीव करने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो कंसीव क्यों नहीं कर पा रही हैं। तब जाकर उन्हें पता चला कि देबीना बनर्जी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या से परेशान हैं। उन्होंने एक्यूपंचर जैसी थेरेपी ली। इसमें आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है। अपनी समस्या को खत्म करने के लिए उन्होंने एलोपैथिक दवाएं ली। इसके बाद आयुर्वेद का रास्ता अपनाया। देबीना बनर्जी सुबह 10 बजे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए पहुंच जाती थी, तब जाकर उन्होंने कंसीव किया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।